आती है उसकी बिल्कुल बेटी आप देख सकते हैं और रूम भी बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, लेकिन मैं एकदम चका चल पूरी सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। बच्चों के साथ गाइस लोग सब कैसे दबाए उबाए पड़े हैं सब एक दूसरे को, और है छुट्टी का फुल मजा, हम सब आपस ही में ले रहे हैं तीनों जन। अभी दीदी के लिए दिखाओगी भाई? किसी की जरूरत नहीं हमें, हम तीनों जने और ये मेरी टीवी चौथी और हमारे घर के दो फोन, पांच जन हम लोग का वाईफाई तो सबसे जरूरी भाई, वाईफाई के बिना तो सब अधूरा। ये देखिए हमारे वाईफाई के ये दो कान ऐसे खड़े हुए हैं, साइन इनको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर दिया, तो ये तो बिल्कुल जरूरी है वरना हम लोग की जिंदगी अधूरी है। छुट्टी में सिर्फ नाटक पिक्चर और फोन देखे जा रहे हैं। और कल मैं लाइव आई थी, लाइव में आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट के, बहुत कम ही लोग जुड़े थे, ज्यादा लोग नहीं जुड़े थे लाइव में, पर जितने लोग जुड़े थे ना उतने में ही दिल खुश हो गया। और पता है 45 मिनट लाइव में रही, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कैसे 45 मिनट लाइव में मेरे गुजर गए, और बहुत ज्यादा बहुत 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 अच्छा लगा। मैं सोच रही ना कि अब ऐसी लाइव आपके साथ मैं शेयर किया करूंगी। भैया धूप तो इतनी ज्यादा है ना कि हालत खराब कर रखी धूप ने एकदम। और यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं, घड़ी में बज रहे हैं एक, और अभी कुछ ना खाना ना कुछ पीना कुछ भी नहीं, सुबह से ऐसी मस्ती मजाक हंसी चल रहा है। मैं अभी नहाई भी नहीं, साई नहा चुके हैं, पूजा वूजा साई ने कर दी है। यहाँ पर चल रहे हैं, आलू का पराठा बनेगा सबका, देखते क्या डिसीजन, क्या बने खाने में, आलू का पराठा, सबका मन आलू का पराठा, मेरा मन तो सब्जी चावल आलू, अगर सब्जी बनाओगे तो उसमें परवल मत डालना, आलू टमाटर की सोच रहे सब्जी, पराठा या आलू टमाटर की सब्जी, अभी आलू की सब्जी बना लो तो पराठा, शाम को पराठा बना लेंगे ना सर कुछ, हाँ ये सही रहेगा। तो चलिए ठीक है, शाम को बनेगा आलू का पराठा, क्योंकि दिन में चावल खा सकते हैं, रात में चावल नहीं खाते हैं, डाइटिंग हमने फटाफट से, चलिए चलते हैं किचन में और चढ़ा देते हैं आलू। आ गए हैं किचन में, ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन गाइस, छोटा नहीं बहुत बड़ा है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं किचन का काम। यहाँ पे मैं आलू चढ़ा दे रही हूँ, शाम का और सुबह का दोनों टाइम का इकट्ठा आलू में उबाल लूंगी, ताकि बार बार मुझे आलू उबालना ना पड़े। एक तरफ मैंने आलू रख दिया बॉईल होने के लिए, अब अंदर चलते हैं थोड़ा सा साफ सफाई, इस टाइम तीनों जन मिलकर कर रहे हैं क्योंकि छुट्टी, तो भाई सबको उसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज फिर लगेगा कि काम ही करते रह जाओ। लड़का बहुत मेहनती है, जरूरत हो तो बताइएगा, सिर्फ वीडियो में, सिर्फ वीडियो में नहीं यार, छुट्टी तो करता है सही, चलिए बहुत सारा काम है, बहुत सारा डस्टिंग, सारी बेडशीट चेंज होनी है आप दोनों रूम की, इधर कभी आप हाल देख सकते हैं कैसा पूरा बिखरा पड़ा है, जबकि इस रूम में इस टाइम कोई लेटता नहीं, इधर इतने सारे कपड़े प्रेस होने के लिए जाएंगे धोबी के, बहुत सारा घर उतल पुतल। मैंने सोचा प्रसाद खा लूं क्योंकि उधर डाला है, इसको खा के फिर मिलते हैं हीरा मंडी, नेटफ्लिक्स करवाए तो फिर देखा जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कुछ देर बाद आप सभी से, ठीक है, बाय बाय। तो मैं नहा धोआ के हो चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी आप देख सकते हैं, और रूम भी बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल मस्त एकदम चकाचक, पूरी सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है पूरे घर की। एंड अब हम सब जा रहे हैं खाना खाने, खाना बन चुका है, जैसा मैंने बताया था कि क्या ऑप्शन सेकंड ऑप्शन डिसाइड हुआ था, सेकंड ऑप्शन में मैंने बनाया सब्जी आलू टमाटर की, जो मेरे घर में सबको फेवरेट है, सबकी फेवरेट, मतलब हर किसी को अच्छा लगता है। लाइट यहाँ पे चली गई है, लाइट धीमा हो गया है ना, पता नहीं कि धीमा तेज हो रहा, टीवी तो नहीं ऑन है, टीवी बंद कर दो। तो यहाँ पर जो है हो चुका है खाना पीना, अच्छे से बन चुका है, बस अभी खाना है, हमें का नहा लिया है। अब अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक हल्का सा छोटा सा झलक दिखाऊंगी रूम का, किस तरीके से क्लीनिंग, किस तरीके से सफाई हुई, खुला है। तो यहाँ पे हो चुकी पूरी क्लीनिंग, अब सब नहा भी चुके हैं, अब खुशी का है कि खुशी अपना बात ले ले, बाकी हम तो नहा धोवा के हो चुके हैं रेडी, तो बस चलते हैं लड्डू का भोग लगाते हैं और इसके बाद आपको हल्का सा रूम टूर देते हैं। Oh, 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 oh
सफाई में हो गया नुकसान और ये फोटो मंदिर से आके गिर के टूट गई। मेरा सेकंड रूम जिसकी बेडशीट अच्छे से हो गई, क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छे से, इधर ये सामान रखा है निकाल के देने के लिए, इसमें कपड़े हैं जो कि किसी को देना है दान के लिए, और ये एक्स्ट्रा चद्दर और वो मसलन जो कि उस पर यूज़ नहीं होता तो इसलिए मैंने उधर लगा रखा। इसमें सारा मेरा मेकअप का सामान है, इसमें मेरा सारा, ये देखिए प्रमोशन का शैम्पू, ये सब इसे वहाँ से डेट आती ना तो हम लोग करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। एंड ये रखा इधर प्रेस करने के लिए कपड़ा जो कि जाएगा। तो बस आप सभी को पसंद आया होगा छोटा सा होम टूर, और पता मतलब छोटा सा क्या है, मतलब मैंने सोचा दे दिया कि कितना मेहनत लगती काम करने में, बट जब क्लीनिंग हो जाती ना तो घर से अच्छा कुछ लगता भी नहीं है। और यहाँ पे नहाने के बाद बहुत ज्यादा हल्का फील हो रहा, नहा लिए अब सब लोग खाएंगे दोपहर का खाना, अब सब लोग खाएंगे दोपहर का खाना क्योंकि अभी खुशी नहा रही है, वो नहा के आ जाए फिर सब उन्हीं का वेट हो रहा है। और डाइनिंग पे बर्तन लग चुके हैं सारे जो खाने वाला है, बाकी वहां से लगा के नहीं लेकर आती हूँ क्योंकि जो है कौन हम ही अपन तीन लोग को खाना, कोई बहुत है भी नहीं, तो पता चले क्या ही वहां से सजा के लाओ। जब पापा आते हैं या घर से कोई और आता तब तो थाली वहीं सज के आती। और ये बस चलिए तो मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। और आज पता नहीं क्यों यार लाइट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही, बहुत ज्यादा बार बार धीमा तेज हो रही है, देख आप देख सकते होंगे पीछे, ये देखिए बहुत ज्यादा ऐसे हो रही, बार बार धीमा बार बार तेज। तो बस चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। और आज है पता नहीं, आज 19 तारीख है, कल है 20 तारीख, और 20 तारीख को हमारे यहाँ पड़ेंगे वोट। तो देखते हैं किसको क्या, वोट अपना एक अधिकार है तो उसको सही जगह ही दीजिए, बाकी अभी तुम बहुत छोटे हो तो जिस करते हैं फिर थोड़ी देर बाद। क्या नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, कहीं ढूंढ रही यार, भी ये शॉर्ट है जब मैं वोट डाल करके आती हूँ और मैंने कौन सा सॉन्ग लगाया, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना होगा क्योंकि यहाँ पर वो म्यूजिक के साथ सेव नहीं हो रहा था। और मैंने वोट किसको दिया है वो आगे बताऊंगी। आप सभी कैसे हो, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगी हाँ बट ठीक हूँ, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद ऐसी बैंड बज गई है ना शरीर की। अच्छा ये वाला दी है बहुत खोजा, और वो मैसेज में पढ़ रही थी, सो वर्कआउट किया है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा आज बॉडी पेन है, बहुत ऐसा लग रहा फीवर से मुझे आ जाएगा, बट वो होता है शायद नहीं कंफर्म, मतलब मैं करती रहती हूँ बीच बीच में छोड़ती रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। एंड चल रही हूँ अभी, कल मुझे जाना है अपने मायके मतलब चाची के घर, तो आज फटाफट से जो ब्रांड का काम जिनकी टाइम जिनका डेट आ गया वो मैं सोशल कर दूँ। तो यहाँ पे ये आ चुका है पार्सल मुझे ब्रांड की तरफ से, तो इसका मुझे काम करना है, तो ये आप देखेंगे, ये मुझे आ गया ब्रांड की तरफ से पार्सल, और इसमें क्या है वो आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा क्योंकि ये मुझे लॉन्ग में नहीं करना है, तो इसका आपको शॉर्ट पे देखने को मिलेगा। और यस अभी आउटफिट वगैरह सब कुछ मतलब इसके अकॉर्डिंग मुझे पहनना होगा, तो अभी मैंने ग्रीन पहन रखा है, मैं गई थी बरगदाही का मतलब वो साड़ी वाड़ी सब रेडी करने के लिए, ब्लाउज वगैरह अपना स्टिच कराने के लिए, बस टेलर के मैंने डाल दिया वो सारी चीजें, अब चल रही हूँ ब्रांड का काम करूंगी, अदरवाइज कल जाना है तो एक दो दिन बाद ही वापस आऊंगी क्योंकि छुट्टियां चल रही, तो सोच रही हूँ एक दो दिन रुक लूँ, और हस्बैंड भी नहीं है कि खाने का टेंशन रहेगा, तो चलते हैं फटाफट से कपड़ा पहन लेते हैं। एंड कपड़ा पहनने के बाद फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, क्योंकि उसमें वीडियो के अकॉर्डिंग मतलब उसमें पूरा वो गाइडलाइन लिखी है कि आपको किस तरह का कपड़ा पहनना है, कैसे कैसे करके दिखाना, तो इस मेकअप को रिमूव करूंगी फिर से दूसरा मेकअप करूंगी क्योंकि सारी चीज़ें उनकी गाइडलाइंस आई तो उसके अकॉर्डिंग सारा काम करना, तो ब्लॉग में आप सभी बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पर मैंने ये व्हाइट कलर का टॉप वेयर किया है जो कि मेरे हस्बैंड मथुरा वृंदावन गए थे वहाँ से लेकर के आए थे, बहुत सारे लेकर आए हैं स्कर्ट टॉप, तो अगर आप सभी को देखना है कि कौन कौन से कपड़े आए हैं मेरे लिए तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर फिर मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, आप सोच लेंगे एक दिन में कितने कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो यह सुबह पहने थे कुर्ती क्योंकि गए थे, कहाँ गए थे मैंने शायद ब्लॉग में बताया मैं कहाँ गई थी, हाँ मैं गई थी सुबह जो मैंने कुर्ती पहन रखी थी तो मैं गई थी अपना बरगदाही का पूरा साड़ी वगैरह लेने और सब कुछ वो स्टिच वगैरह कराना था वो काम था। सेकेंडली ब्रांड ने मुझे बोला था व्हाइट या ब्लैक कपड़ा पहन के आपको वीडियो शूट करना, थर्ड मैंने ये पहन लिया है ऐसे निक्कर टी शर्ट पहन लिया क्योंकि अभी ये रात का सोने का टाइम है और
अब कल हम लोग को निकलना है अपने घर के लिए, अपने चाची के घर जाएंगे एंड समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है तो थोड़ा बहुत घूमना होगा क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है तो हम लोग यहाँ करेंगे भी क्या। बस थोड़ी सी गर्मी का लग रहा है क्योंकि घर पे एसी है और साईं खुशी परेशान हो जाएंगे। मेरी तो आदत, मुझे उतना नहीं फर्क पड़ता बहुत ज्यादा, सज्जू बताऊं, क्योंकि मायके में होता ना नहीं फर्क पड़ता है, ससुराल में खल जाता है क्योंकि आप ऐसे सर से ओढ़ ओढ़ के बकायदा और अच्छे साड़ी उड़ी पहनो तो थोड़ा सा हो जाता अनकंफर्टेबल, बट मायके में आप क्या कुछ भी पहनो जैसे यहाँ वैसे वहां तो उतना ज्यादा मुझे नहीं खलता फिलहाल। और चाची का थोड़ा अच्छा भी लगता है और चाची का घर थोड़ा ऐसा खुला खुला सा है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है वहां पे मुझे। तो बस कल सोच रही हूँ कि अब चलती खाना पीना खाने। और इससे पहले की क्लिप आपने देखी ली होगी जिसमें कि मैं पूरा ऐसे मतलब हम साईं मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो आजकल बस हम लोग का यही चल रहा है, बाकी और कुछ ऐसा स्पेशल तो हो नहीं रहा। जाने का कई जगह प्लान हमने कर रखा है, ट्रेन की रिजर्वेशन पता कर रहे हैं क्योंकि श्री केदारनाथ जी का दर्शन तो हो ही नहीं पा रहा, पिछले साल भी नहीं हो पाया, इस साल भी नहीं हो पाया, देखना। बट्स फीलिंग कह रही है कि मुझे अगले साल सन 2025 में मुझे श्री केदारनाथ बाबा जी के दर्शन जरूर होंगे, पता नहीं क्यों, और मुझे अंदर से विश्वास है कि यस मेरा होके जरूर रहेगा ये चीज। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से वो एक फीलिंग आ जाती है ना कि पिछले साल नहीं गए, वो भी शायद कुछ रीजन से मेरे मन में भी कुछ विचार ऐसे आ गए थे, शायद मैं अपने आप को भी इसी के ब्लेम कर रही हूँ। और इस साल मेरा मन था लेकिन ये था कि चाची ने कहा कि मतलब सगुन की शादी मेरी सिस्टर की, मेरी बुआ की लड़की की शादी, तो इस बार नहीं चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट एंड द एंड टाइम हमने पता भी किया कि चलो पता करो, बट होता है कि वहां पर रिजर्वेशन होता पहले से, तो रिजर्वेशन तो हो नहीं सकता था, चले भी जाते तो वहां दर्शन होते तो कोई फायदा नहीं, इसलिए मतलब वो है कि अगली बार 25 में मुझे बाबा के दर्शन होने हैं। तो बस चलिए इसी के साथ खा पी लेते हैं। खाने पीने में क्या बनाया, कटहल की सब्जी मैंने बनाई, चावल और रोटी बनाई, तो खा पी के अब सो जाएंगे और कल देखते क्या शूट करते हैं। तो गांव हम लोग क्यों जा रहे हैं, छुट्टी तो एंजॉय करने ही जा रहे हैं, और एक और रीजन है, रीजन क्या है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ऑल्सो द प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आने वाले अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। हाँ जो मैंने मतलब अभी आपको पेड प्रमोशन दिखाया कि मैं आज पेड प्रमोशन करने वाली हूँ, तो ये बिल्कुल फ्री है ब्रांड की तरफ से, इसमें मेरा एक रुपया भी नहीं गया है। बहुत सारे ऐसे सामान आते हैं, हाँ बहुत ज्यादा बैक टू बैक नहीं आते क्योंकि सेलेक्टेड चीजें लेती हूँ, क्योंकि शैम्पू और ऐसे क्रीम वगैरह मैं बहुत ज्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि उतना ले लो फिर यूज ना करो, क्योंकि हर ब्रांड ट्राई भी नहीं कर सकते। बट अगर कौन सा उस बॉक्स में क्या आया है वो उसके लिए आप मेरा शॉर्ट्स जरूर देखिएगा। और